Hello everyone and welcome to Vice IAS, your true companion in UPSC preparations. Ethics case series में जो हम आज का टॉपिक करने वाले हैं वो है contribution of moral thinkers, philosophers, reformers and administrators. तो अगेन ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है. बार बार हर बार इस टॉपिक में से भी कई क्वेश्चंस देखे गए. तो अभी तक अगर आपने वाइस आईएएस का ऐप डाउनलोड नहीं करा है, यू कैन गो टू गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द वाइस आईएएस ऐप टुडे. माय नेम इज एडवोकेट साहिल जैन और हम आज इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े कंसाइज तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए समझेंगे. तो अगर हम बात करें टॉपिक के बारे में, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे. What is contribution of moral thinkers? Or what can you say? What is the contribution of moral thinkers, philosophers, administrators, etc.? So the study of this part is important because the contribution of some eminent personalities. All those persons are eminent personalities. या फिर हम जिनके बारे में भी पढ़ेंगे, वो कुछ eminent personalities हैं, वो कुछ ऐसी personalities हैं. Who led to development of new knowledge, values, principles to induce moral progress in human society and make it better. Yani ki in logo ne apni knowledge ko ya apne sare andar ki skills ko society ke liye is tarike se pesh kiya ya society ko apna contribution is tarike se diya ki wo society ki development mein kaam kare और उनकी मॉरल प्रोग्रेस में सहायता करें. नाउ अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स की, तो इनमें हम मेनली दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो जो इंडिया से हुए और कुछ लोग जो इंडिया से बाहर हुए. तो इंडिया के मॉरल थिंकर्स वैसे तो बहुत सारे हैं, पर आज हम इस वीडियो में कुछ थिंकर्स के बारे में बात करेंगे. उनमें से सबसे पहले है स्वामी विवेकानंद जी. स्वामी विवेकानंद जी, उनकी पर्सनैलिटी देखें या उनकी फिलॉसफी देखें, उनके की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए. तो की पॉइंट्स जो हमें उनकी जिंदगी से सीखने को मिले वो मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं. सबसे पहला है एथिक्स मोर देन लॉज. तो जिंदगी में, किसी भी ह्यूमन बींग की जिंदगी में एथिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं रादर देन लॉज. अगर कोई इंसान एथिक्स को फॉलो करेगा तो वो लॉज को ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा. यानी कि सिर्फ लॉ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर सिर्फ लॉ बनाना सफिशिएंट नहीं है, हमें एथिक्स को भी फॉलो करना है. एथिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन लॉज. एथिकल सेकुलरिज्म, यानी कि एथिकल सेकुलरिज्म का मतलब हमारे दिमाग में सेकुलरिज्म का मतलब मेनली क्या आएगा? The right to profess and propagate any religion one wants. हम इसको सेकुलरिज्म कह सकते हैं. एथिकल सेकुलरिज्म वो सेकुलरिज्म है जिसमें कोई इंसान कोई भी रिलीजन को फॉलो करे पर पूरे तरीके से एथिकली उसी रिलीजन को फॉलो करे. लाइक विवेकानंद जी कहा करते थे कि इफ यू आर अ हिंदू यू शुड बी एथिकली फॉलोइंग हिंदू रिलीजन और इफ यू आर अ मुस्लिम यू शुड बी एथिकली फॉलोइंग मुस्लिम रिलीजन. ये नहीं कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हुए किसी दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करते रहे. देन नेक्स्ट इज कंपैशन फॉर ऑल बींग्स, यानी कि सब लोगों के लिए, सब जीव जंतुओं के लिए हमारे मन में कंपैशन हो, करुणा भाव हो, सद्भावना हो. नेक्स्ट इज एजुकेशन एज कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सरसाइज. तो विवेकानंद जी ने एजुकेशन को इस तरीके से इंपॉर्टेंस दी. उनका कहना था एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. एक सोसाइटी की तरक्की में एजुकेशन सबसे मेजर पार्ट प्ले करती है. तो अगर हमें
कुछ भी हमारे सोसाइटी में सेंस चल रहे हैं या कुछ भी चल रहा है उससे अपलिफ्टमेंट चाहिए, तो लोगों को एजुकेट कर दो। जब लोग एजुकेट हो जाएंगे तो हमारी सोसाइटी में से बुरी चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे गौतम बुद्ध जी, भगवान बुद्ध हम कहते हैं जिन्हें, तो उनके जीवन से हमें जो चीजें सीखने को मिलती हैं वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, हमारा दिमाग हमारे बारे में तो सब कुछ जानता ही हो, साथ ही साथ अगर हम किसी के बारे में कुछ जजमेंट लगा रहे हैं तो हम उसके बारे में भी पर्याप्त जानते हैं, उसके बारे में भी पूरे तरीके से जानते हैं। दिस इज माइंडफुलनेस। कहीं भी हमारे दिमाग में कोई जगह खाली नहीं होनी चाहिए। हमारे दिमाग में जितना ज्ञान आ सकता है उतना ज्ञान हम अपने दिमाग में लाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है मोमेंटेरीनेस। अब मोमेंटेरीनेस का मतलब यहां पर ये है कि एक इंसान किसी मोमेंट पे किस तरीके से एक्ट करे और दूसरे मोमेंट पे किस तरीके से एक्ट करे, देयर शुड बी नो डिफरेंस। द एक्ट्स ऑफ एन अ ह्यूमन बीइंग शुड बी यूनिवर्सल। ठीक है, यानी कि हम भेदभाव ना करें किसी तरीके से। Either you can say with the people or anything else. Like in communities, हम कहें कि ये अपर कम्युनिटी का मेंबर है और ये लोअर कम्युनिटी का मेंबर है, राइट? नेक्स्ट इज लिंकेज बिटवीन इंडिविजुअल एक्शंस एंड वर्ल्ड। तो इंसान के एक्शंस, कोई भी इंसान अगर एक्ट करता है और उसका दुनिया के साथ क्या रिलेशन है, उन दोनों चीजों को जब हमने लिंक कर दिया, यू कैन नो अबाउट कर्मा। कर्मा, द साइंस ऑफ कर्मा, कर्मा और यू कैन से द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। एक इंसान अगर अपनी जिंदगी में अच्छे काम करेगा, बर्थ होगा और उसके बाद उसको मोक्ष मिल जाएगा, दैट इज सेल्वेशन। अगर बुरे काम करेगा तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ विल गो ऑन, बार बार इस दुनिया के चक्रव्यूह में उसे आना पड़ेगा। नेक्स्ट इज भावना और यू कैन से सद्भावना। भगवान बुद्ध की जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें लोगों के प्रति जो भावना रखनी, सद्भावना रखनी है। और द लास्ट इज योर कर्मा, ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? तो भावना भी अच्छी रखें और कर्म भी अच्छे रखें, ऐसा भगवान बुद्ध की जिंदगी से हमें सीखने को मिला। नेक्स्ट, कौटिल्या। कौटिल्या ने अर्थशास्त्र लिखे थे, तो अर्थशास्त्र से हम कौटिल्या की टीचिंग्स या प्रीचिंग्स के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। कौटिल्या हैज रिटन हाउ आइडियल किंग शुड कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, स्पेशली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो कौटिल्या ने बताया कि एक राजा को किस तरीके से अपने एक्ट्स करने चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, लोगों की भलाई के लिए। अब कौटिल्या ने बेसिकली जो हमें सिखाया वो एक राजा को अपनी प्रजा के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, ये सब हमें कौटिल्या की टीचिंग से पता चलता है। किंग हैज टू पर्सनली अटेंड द पर्सन हु हैड कम टू मीट हिम। एक राजा को मिलने यदि कोई इंसान आया तो किंग को, राजा को उसे पर्सनली अटेंड करना होगा, अटेंड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए सिविल सर्वेंट और आपसे अगर मिलने कोई पब्लिक से आया तो आपकी ड्यूटी बनती है उसे पर्सनली अटेंड करना, रादर देन आप अपने पर्सनल असिस्टेंट को भेज दीजिए और उसको बोलिए कि हाँ जी इससे पूछ लो क्या करना, भाई वो मिलने तो तुम्हें आया, आपके पीए को थोड़ी। नेक्स्ट इज द पीपल शुडंट वेट लॉन्ग टू मीट द किंग, स्पेशली वुमेन एंड ओल्ड एज पर्सन्स। अब हम राजा की जगह पे अगर सिविल सर्वेंट को भी रखें, जो कौटिल्या की टीचिंग्स हैं उसमें किंग को अगर रिप्लेस कर दें हम सिविल सर्वेंट के साथ, वी कैन नो द मोटिव ऑफ यूपीएससी बिहाइंड दिस टॉपिक।
कि यूपीएससी ने अपने मीन्स GS 4 में इस टॉपिक को क्यों रखा। वो क्या चाहते हैं कि हम कौटिल्या या और ऐसे जो मॉरल थिंकर्स हुए उनके टीचिंग से, उनकी फिलॉसफी से, उनके प्रिंसिपल से अपनी जिंदगी में या सिविल सर्वेंट्स अपने व्यवहार में वो चीजें लाएं सो दैट देयर कैन बी पब्लिक गुड एट लार्ज। तो नेक्स्ट वॉज कि हमें यानी कि सिविल सर्वेंट्स या फिर किसी भी राजा को लोगों को बहुत देर तक इंतजार नहीं करवाना चाहिए, स्पेशली जब वो विमेन है या कुछ ओल्ड एज पर्सन है। द पीपल शुडंट वेट फॉर लॉन्ग। नेक्स्ट इज इन द हैप्पीनेस ऑफ पीपल शुड बी हिज हैप्पीनेस, यानी कि एक राजा की खुशी में, एक राजा की खुशहाली में या फिर एक सिविल सर्वेंट की खुशहाली में लोगों की खुशहाली होनी चाहिए। इफ यू आर अ डीसी ऑफ एनी प्लेस और अगर वहां के जनता आपके कामों से खुश नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से ही खुश नहीं, तो क्या आप पर्सनल जिंदगी में भी खुश रह पाओगे? नहीं। तो अगर आप वहां के लोगों को खुशहाल रख पाओगे यू कैन बी हैप्पी इन योर लाइफ। नेक्स्ट इज इन टाइम ऑफ कैलेमिटी किंग शुड, अब कैलेमिटी यानी कि कुछ आपदा आ जाना, विपदा आ जाना, तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर अगर कोई आपदा या विपदा आती है तो राजा को अपने आप को जनता की जगह पर रख के सोचना चाहिए और राजा और प्रजा एक समान। The gist of this line. In time of calamity, king should protect people in similar way as mother protect her child. जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उस तरीके से एक राजा को अपने बच्चों का या अपनी प्रजा का ध्यान रखना है, उनको बचाना है। Then next is गांधी जी, हमारे बापू, फादर ऑफ इंडिया। अब गांधी जी की जिंदगी में हमने तो हिस्ट्री में पढ़ा, बहुत सारा कुछ पढ़ा गांधी जी के बारे में। वी कैन हैव अ गुड आइडिया अबाउट द टीचिंग्स, द एक्सपीरियंस ऑफ गांधी जी लाइफ। तो कुछ मैंने यहां पर लिस्ट डाउन किए। गांधी जी ने बोला कि स्वदेशी यूज करो और यूज लोकली मेड गुड्स। गांधी जी ने बोला कि हमें बाहर से इंपोर्टेड गुड्स यूज क्यों नहीं करने हैं, हमें लोकली मेड गुड्स यूज क्यों करने हैं, ताकि यहाँ के ट्रेडर्स को, यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को फायदा पहुंच सके, हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग कर सके। रिमूव अनटचेबिलिटी, गांधी जी अनटचेबिलिटी के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था अनटचेबिलिटी समाज के ऊपर एक ऐसा धब्बा है जिसके साथ समाज कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। ब्रेड लेबर, अब बॉन्डेड लेबर के उल्टा ब्रेड लेबर। हम अगर किसी से काम करवाएंगे वी शुड गिव हिम अ ब्रेड। ब्रेड बोले तो हम उनको जिंदगी गुजारा करने के लिए उनके काम के मुताबिक उनकी पे करें। नेक्स्ट इज नॉन वायलेंस। अब गांधी जी तो थे ही नॉन वायलेंट, हमने मूवी भी देखी मुन्ना भाई MBBS या लगे रहो मुन्ना भाई, उनमें बड़े अच्छे से गांधीगिरी को एक्सप्लेन करा गया, नॉन वायलेंट एक्ट्स, राइट। नेक्स्ट इज ट्रुथ, सत्य। सत्य और अहिंसा ये दो गांधी जी प्रिंसिपल्स फॉलो करा करते थे। नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन के अंदर रखना। हम किसी को डिसिप्लिन में एक्सपेक्ट करने से पहले खुद तो डिसिप्लिन में रहें। नेक्स्ट इज नॉन पोजेशन। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ द पैलेट। नॉन पोजेशन बोले तो हमें किसी जगह के ऊपर कब्जा नहीं करना, किसी को गलत तरीके से हथियाना नहीं। अब कंट्रोल ऑफ पैलेट बोले तो अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखना, हमारे बोल जो हमारे मुंह से निकलते हैं उसके ऊपर कंट्रोल रखना।
पहले तोलो फिर बोलो। नेक्स्ट इज फियरलेसनेस, निडर होके अपनी जिंदगी को व्यतीत करना। देन योर नेक्स्ट इज इक्वेलिटी एट ऑल रिलीजन्स। अब गांधी जी का प्रिंसिपल था वो सभी धर्मों को एक समान मानते। अब जब हम सब धर्मों को एक समान मानेंगे तभी तो जस्टिस कर पाएंगे। अब गांधी जी ने कुछ सेवन डेडली सिंस बताए। ये डेडली सिंस क्या क्या है? वेल्थ विदाउट वर्क, बिना काम के हम अपनी दौलत संपत्ति को बढ़ाते रहें, दैट इज वेल्थ विदाउट वर्क, राइट? तो अगर मान लीजिए हम कोई काम करते हैं उसके बराबर हम कुछ अर्न करते हैं या अपनी वेल्थ इंक्रीज करते हैं, दैट इज गुड। पर अगर वेल्थ विदाउट वर्क आएगी, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से अ बैगर इज सिटिंग रोड साइड, अब वो तो बैठा है भाई कटोरा लेके, एक कटोरा लेके बैठा है। तो जो भी नियर बाय पास कर रहा है उसमें पैसे डाल रहा है, दैट इज विदाउट कुछ काम किए, बिना कुछ काम किए ही इज गेनिंग वेल्थ, चाहे कितने भी एग्जाम्पल सॉर्ट ऑफ, राइट? अब कुछ नहीं किया भाई साहब, आराम से बैठे हैं और ही इज गेटिंग मनी। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग दैट इज अ डेडली सिन। अगर कोई एबल एबल है, कोई एबल्ड बॉडीड पर्सन है, वो काम कर सकता है और अपने पुरुषार्थ से वो पैसे कमा सकता है, पुरुषार्थ करे तो वो काम कर सकता है, पैसे कमा सकता है, तो उसके लिए व्यर्थ बैठना या खाली बैठना और बैठे बैठे पैसे कमाना, दैट इज अ डेडली सिन, राइट? नेक्स्ट इज प्लेजर विदाउट कंसाइंस। अब विदाउट कंसाइंस अगर प्लेजर हम गेन करते हैं, अगर आराम गेन करते हैं, दैट इज अ सिन। नेक्स्ट इज साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। अब साइंस और ह्यूमैनिटी का रिलेशन जो है ये बहुत गहरा है, राइट? तो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज अगेन अ सिन। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। अब कैरेक्टर और नॉलेज गोज हैंड बाय हैंड। जिसको जैसी नॉलेज होगी, जितनी नॉलेज होगी उसका वैसा कैरेक्टर होगा। खाली नॉलेज बिना चरित्र के किसी काम की नहीं। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। अब राजनीति में अगर कुछ प्रिंसिपल्स ना, हमने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा देयर आर सम प्रिंसिपल्स। कुछ लोग जो इलेक्ट किए जाते हैं वो रूलिंग पार्टी से इलेक्ट किया जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, दे इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर लाइक दिस। कुछ कमिटीज बनाई जाती हैं जिसमें चेयरमैन जो रखा जाता है वो जो रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर है उसको बनाया जाता है, और वाइस चेयरमैन जो है वो ऑपोजिशन से है। तो दीज आर सम प्रिंसिपल्स। ये कुछ लॉ नहीं है, कोई चीज नहीं है, पर कुछ प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए राजनीति के लिए। अब मान लीजिए इलेक्शंस, इलेक्शंस के टाइम पे कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। उस कोड ऑफ कंडक्ट में हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिसको अवॉइड करना है। तो अगर कोड ऑफ कंडक्ट ना हो तो किस प्रकार की राजनीति हो? तो पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स इज अ सिन। नेक्स्ट इज कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी। अब हमारे जो सिविल लॉज हैं, ऑल दो सिविल लॉज कैन नॉट डील विद ऑल द कमर्शियल ट्रांजेक्शन। इतना वास्ट तो लॉ कभी भी हो ही नहीं सकता कि इतनी सारी कमर्शियल ट्रांजेक्शंस को वो कवर कर ले। तो कॉमर्स में या कमर्शियल ट्रांजेक्शन में मॉरेलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
तो जब मान लीजिए हम व्यापार करते हैं, अगर उसमें मॉरलिटी ही नहीं है तो उस व्यापार का फायदा ही क्या? कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी इज अ सिन। नेक्स्ट इज वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। हम किसी भी भगवान की पूजा कर लें, किसी भी भगवान की अर्चना कर लें, पर हम सेक्रीफाइस करने के लिए कुछ तैयार ही नहीं, तो क्या ये किसी काम की है? सेक्रीफाइस बोले तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की बलि दे दीजिए। सेक्रीफाइस से मेरा मतलब है जब हम सेक्रीफाइस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपनी जिंदगी में से कुछ त्याग कर देते हैं, कुछ अर्पण कर देते हैं। कुछ लोग मन्नत मांगते हैं कि भगवान जी मेरा यूपीएससी क्लियर करवा दीजिए और मैं नंगे पांव आपके दरबार में आऊंगा। वेयर सो एवर द दरबार इज राइट। तो अगर हम अपनी जिंदगी में से कुछ देने को तैयार हैं, तभी तो हम कुछ लेने के लिए डिजर्व करते हैं। इट इज नॉट शो कि आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, पर मैं तैयार होने की बात कर रहा हूं। अगर आप कुछ देने के लिए तैयार हैं, तभी तो आप कुछ लेने के लिए तैयार होंगे। अगर सिर्फ हम लेना चाहते हैं तो फिर हम सेल्फिश हैं। द नेक्स्ट इज वेस्टर्न थिंकर्स। अब वेस्टर्न थिंकर्स की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे प्लाटो को। इन्होंने बताया कि विजडम टू एक्ट ऑन रूल्स रादर देन इंपल्सेस। दिस मीन्स कि विजडम क्या है? एक वाइस इंसान वही है जो कि रूल्स के ऊपर एक्ट करता है, अपनी इंपल्सेस के ऊपर, अपनी मनमर्जी के मुताबिक नहीं चलता, बल्कि अपने रूल्स के ऊपर चलता है। ये नहीं कि मेरे मन में जो आया और मैंने वैसे एक्ट कर दिया। द नेक्स्ट इज करेज। अब हिम्मत दो तरीके की होती है। हिम्मत दो तरीके की होती है, हिम्मत कुछ काम करने की और हिम्मत सोचने की। करेज इज ऑफ टू टाइप्स, टू थिंक एंड टू एक्ट। कुछ लोग तो सोचने की हिम्मत ही नहीं करते, और कुछ लोग सोच लेते हैं पर एक्ट करने की, उसके ऊपर चलने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो करेज शुड बी देयर टू थिंक एज वेल एज टू एक्ट। द नेक्स्ट इज टेम्परेंस। दिस इज टू कंट्रोल योर टेम्परामेंट। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जब आप बहुत गुस्से में हैं और आपसे कोई बात करने आया, आप अपना गुस्सा उसके ऊपर निकाल दें। दैट मीन्स यू आर नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन योर टेम्परामेंट राइट। तो अ कंट्रोल ऑन टेम्परामेंट इज नेसेसरी, जस्ट एज इन वंस ओन एक्ट। जब हम अपना कोई एक्ट कर रहे हैं तो हमारे मन की संतुष्टि होनी चाहिए, क्या हमने सही करा। आप दिन में जो भी काम करें, आप रात में तभी चैन की नींद सो पाएंगे जब आपने अपने कामों में जस्टिस करा होगा, आपने अच्छे से वो काम किया होगा। वाइस आईएएस आपके लिए वीडियोस बना के ला रहा है, अगर हम कंटेंट नहीं देंगे या वैसे ही बना देंगे, दिस इज नॉट जस्टिस। हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, कुछ मेन मेन मेजर सी चीजें निकाल के आपको देते हैं। वी आर डूइंग जस्टिस इन आर एक्ट राइट। अब आ गए नेक्स्ट हॉब्स। हॉब्स कहते थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी हॉब्स ने दी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट मींस जब दो लोग किसी भी सोसाइटी में, इन एनी सोसाइटी, देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट अमंग टू और मोर पीपल। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पीपल, दिस इज नेसेसरी। क्यों? एवरी राइट फॉलोज अ ड्यूटी। हमारे अधिकार किसी और की ड्यूटी है और किसी और की ड्यूटी हमारे अधिकार है।
तो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली देर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी। तो हमारे कुछ भी एक्ट्स में देयर शुड बी ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी। मॉरलिटी से हटकर हमारे कुछ भी एक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन सिविक एजुकेशन। इनका कहना था कि अगर हम समाज को सक्षम करना चाहते हैं तो एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट एरिस्टोटल, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। पॉलिटिकल साइंस को हम पॉलिटिकल साइंस क्यों कहते हैं? बेसिकली साइंस की बात करें तो साइंस इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एनीथिंग और मेनी थिंग्स। तो हम क्या करेंगे और उसका रिजल्ट क्या होगा, दिस इज योर साइंस। पॉलिटिक्स इज नॉट एग्जैक्ट साइंस बट समवेयर यू कैन अप्लाई सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ साइंस टू पॉलिटिक्स। दैट इज वाई पॉलिटिक्स इज समटाइम्स कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। तो अब एरिस्टोटल ने बोला कि पॉलिटिकल साइंस है जो, उसके अंदर बहुत सारी प्रिंसिपल्स, बहुत सारी चीजें फॉलो होनी चाहिए। अब उनमें क्या है? मैनेज बिफोर स्टेट। एक इंसान स्टेट से पहले है। सबसे पहले अगर मान लीजिए हम पुराने टाइम की बात करें, एक राजा के लिए प्रजा सबसे पहले, दिस इज द सेम प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। अब एक इंसान पॉलिटिकल एनिमल है, ही कैन नॉट कीप हिमसेल्फ असाइड फ्रॉम पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स का शिकार होगा या उसमें एंटर करेगा। नेक्स्ट अब्राहम लिंकन, लीव नथिंग फॉर टुमारो विच कैन बी डन टुडे। कल के लिए कुछ वो नहीं छोड़ो जो आज कर सकते हो। आज इस टॉपिक को आज आप कवर कर सकते हो तो कल क्यों करें, राइट? वाइस आईएएस का ऐप आप आज डाउनलोड कर सकते हो तो कल का वेट क्यों करें? कल करे सो आज करे सो अब, राइट? तो यही चीज अब्राहम लिंकन ने बताया। स्टैंड विद एनीबॉडी दैट स्टैंड्स राइट, स्टैंड विद हिम व्हाइल ही इज राइट एंड पार्ट विद हिम व्हेन ही गोज रॉन्ग। किसी भी इंसान के साथ तब तक खड़े रहो जब वो ठीक है, और जब वो ठीक है, जब वो ठीक है, जब तक वो ठीक है उसके साथ खड़े रहो, पर उससे किनारा तब कर लो जब वो गलत हो जाए, राइट? अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो उनमें हम डिस्कस करेंगे। गिवन बिलो आर थ्री कोटेशंस ऑफ ग्रेट मॉरल थिंकर्स फिलोसफर्स। फॉर ईच ऑफ दीज कोटेशंस ब्रिंग आउट व्हाट इट मींस टू यू इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, राइट? देयर इज इनफ ऑन दिस अर्थ फॉर एवरीवन्स नीड बट फॉर नो वन्स ग्रीड। किसी के लालच के लिए यहाँ बहुत कुछ नहीं है, पर हर एक की नीड के लिए यहाँ बहुत कुछ है, महात्मा गांधी ने बताया। तो हम महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी के साथ लिंक करके इस कोट को अपनी सोच के साथ एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इज नियरली ऑल मैन कैन विदस्टैंड एडवर्सली बट इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। अब्राहम लिंकन ने बताया, अब्राहम लिंकन ने बताया कि अगर आप किसी इंसान के कैरेक्टर को जज करना चाहते हैं तो उसको ताकत दे दो, उसको पावर दे दो, उसको शक्ति दे दो हर कुछ करने की और सब कुछ करने की। जब आप उस पार को दे दोगे उसको, तो वो जब मैन एक्ट करेगा तो उसके कैरेक्टर को यू कैन जज कि वो किस किस्म का इंसान। नेक्स्ट इज आई काउंट हिम ब्रेवर हु ओवरकम्स हिज डिजायर्स देन हिम हु ओवरकम्स हिज एनिमीज, एरिस्टोटल ने बोला। अब इनका कहने का मतलब ये है कि
कि वो व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं के ऊपर या मनशाओं के ऊपर काबू पा लेता है, वो किसी दुश्मन के ऊपर काबू पाने से बहुत बड़ा है। वो एक ब्रेव इंसान है, राइट? द नेक्स्ट इज डिस्कस महात्मा गांधी कंसेप्ट ऑफ सेवन सेंस, हमने पढ़ा। अ मैन इज बाय बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स, मोहनदास करमचंद गांधी। तो कहने का मतलब ये कि एक इंसान जो वो सोचता है, जो उसकी मनशाएं हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं या उसकी सोच है, और जो वो बन जाता है, इन सभी चीजों का मिश्रण है। मोहनदास करमचंद गांधी जी की हम सारी आइडियोलॉजी को इस कंटेक्स्ट में यहां डिस्कस करेंगे, राइट? दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।